अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज मैन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। द मैन टीचिंग ऑफ बुद्धा आर फोर नोबल ट्रुथ्स एंड एट फोल्ड पाथ्स। द मैन टीचिंग ऑफ बुद्धा आर फोर नोबल ट्रुथ्स एंड एट फोल्ड पाथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फोर नोबल ट्रुथ्स। Four Noble Truths suggested by Gautam Buddha. The world is full of suffering. बुद्धा के हिसाब से जो इंसान की जिंदगी है, जो दुनिया में इंसान की जिंदगी है, यहाँ पे सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत है। यहाँ पे इंसान को सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। Second, the main cause of suffering is desire. ये जो इंसान को जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुनिया में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसका जो मेन काज है वो है डिजायर। इंसान की डिजायर, इंसान की जो ख्वाहिश होती है, इंसान की जो तमन्ना होते हैं, उन्हीं को पूरा करने की कोशिश करता है इंसान, तो उसकी वजह से उसकी जिंदगी जो है वहां पे उसकी जिंदगी में मुसीबतें आती है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो बुद्धा के हिसाब से जो पहला नोबल ट्रुथ है वो है वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। सेकंड जो है द मैन काज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। ये जो परेशानियों का सबब है ये क्या है, ये है इंसान की डिजायर, इंसान की ख्वाहिश। थर्ड नोबल ट्रूथ इज वन मस्ट गेट रिड ऑफ डिजायर टू एंड सफरिंग। अगर इंसान चाहेगा, हर एक इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए सफरिंग उससे, परेशानियों से बचने के लिए, मुसीबतों से बचने के लिए उसको डिजायर नहीं रखनी चाहिए। अगर इंसान को परेशानियों से बचना है, मुसीबतों से बचना है, तो उसको डिजायर नहीं रखनी चाहिए, उसको किसी चीज की डिजायर नहीं रखनी चाहिए, तब वो परेशानियों से बच सकता है, निजात पा सकता है। एंड द फोर्थ इज टू एंड डिजायर एंड हेंस सफरिंग। इंसान को डिजायर खत्म करने के लिए और परेशानियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वन मस्ट फॉलो द एट नोबल पाथ्स। तो एक इंसान को क्या करना चाहिए, एट फोल्ड पाथ्स इंसान को फॉलो करने चाहिए, जो किसने सजेस्ट किए हैं, गौतम बुद्ध ने जो सजेस्ट किए हैं एट फोल्ड पाथ्स, उस पे उनको फॉलो करना चाहिए, उस पर जिंदगी गुजारनी चाहिए, तब वो दुनिया में परेशानियों से बच सकता है। तो अगर हम देखेंगे अब शॉर्ट में क्या कौन से फोर नोबल ट्रूथ्स गौतम बुद्ध ने सजेस्ट किए हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दुनिया में इंसान को सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सेकंड इज द मैन काज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, जो इन परेशानियों का मैन काज है वो क्या है, इंसान की डिजायर, जो इंसान की डिजायर है उसी की वजह से उसको दुनिया में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर इंसान को डिजायर नहीं होगी तो उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वन मस्ट गेट रिड ऑफ डिजायर टू एंड सफरिंग। अगर इंसान को इन परेशानियों से बचना है तो उसको कोई डिजायर नहीं रखनी चाहिए। टू एंड डिजायर एंड हेंस सफरिंग। अगर डिजायर इंसान को इन परेशानियों से बचने के लिए और डिजायर नहीं रखनी चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, वन मस्ट फॉलो द एट फोल्ड पाथ्स। उसको एट फोल्ड पाथ्स फॉलो करने चाहिए जो किसने, बुद्धा ने सजेस्ट किए हैं। तो जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं एट फोल्ड पाथ्स, अब हम पढ़ेंगे द एट फोल्ड पाथ्स suggested by Gautam Buddha. First is right thought, second is right belief, third is right speech, fourth is right action, fifth is right means of livelihood, sixth is right effort, seventh is right memory, and eighth is right meditation. Right thought. Right thought means according to Buddha, इंसान का जो thought होना चाहिए, जो इंसान का सोच होना चाहिए, वो सही चीजों के बारे में होना चाहिए। सेकंड इज राइट बिलीफ। बिलीफ मीन्स ट्रस्ट, फेथ, जो फेथ होना चाहिए इंसान का, जो ट्रस्ट होना चाहिए, वो भी किसी गलत चीज पर नहीं होना चाहिए, वो सही चीजों पे होना चाहिए। थर्ड राइट स्पीच, और जब भी इंसान कोई बात करे, कहीं पे बात करे, उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बात इस तरह से करनी चाहिए मतलब जो लोगों को पसंद हो, जिससे किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। एंड फोर्थ इज राइट एक्शन, और वही एक्शन करनी चाहिए जो इंसान के लिए फायदेमंद हो, और उससे इंसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और उनको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जो इंसान काम करेगा कमाने के लिए, अपने आप को पालने के लिए, घर वालों को पालने के लिए, वो बिल्कुल हलाल तरीके से कमाना चाहिए। वो इस तरह से नहीं कमाना चाहिए कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे, और उसमें हराम कमाई कमाई नहीं होनी चाहिए। वो काम करना चाहिए जो सही हो, तो उसी से वो अपना जो घर वालों को और अपने आप को पालना चाहिए। हलाल तरीके से वो काम करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो, कोई इलीगल काम नहीं करना चाहिए। सिक्स इज राइट एफर्ट, और इतनी मेहनत करनी चाहिए जितना इंसान को जरूरत है, न ज्यादा मेहनत करनी चाहिए न ज्यादा काम करनी चाहिए। जिससे इंसान की नीड्स फुलफिल हो उतनी ही मेहनत करनी चाहिए, और ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए कि वो सिर्फ कमाते रहे और बाकी जिंदगी में वो सिर्फ कमाते रहे, और इतनी कम भी नहीं करनी चाहिए कि वो थोड़ा ही कमाए और अपनी अपनी नीड्स भी पूरा ना कर पाए, वो भी ठीक नहीं है। तो राइट एफर्ट, उतनी ही मेहनत करनी है जितना उसके लिए ठीक है, जितनी कमाई से वो अपने घर को या अपने आप को वो चला सके। राइट मेमोरी, इंसान को उन चीजों का याद रखना है, उन चीजों को पर देखना है जो उसके लिए फायदेमंद हो, जो नेगेटिव थिंग्स है उनको इंसान को याद नहीं रखना चाहिए। राइट मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स जब इंसान किसी चीज पर गौर व फिक्र करे तो वो उस वक्त बिल्कुल होश व हवास में होना चाहिए, वो किसी परेशानी में नहीं होना चाहिए। उस टाइम इंसान जब इंसान कोई टेंशन में होता है वो उस टाइम मेडिटेट नहीं कर सकता, वो किसी चीज पर स्टडी नहीं कर सकता। जब इंसान सही बेफिक्र हो तब वो अच्छी तरह से मेडिटेट कर सकता है। तो ये एट फोल्ड पाथ से जो बुद्धा ने सजेस्ट किए, द बुद्धा बिलीव दैट द एट फोल्ड पाथ लेड अ पर्सन टू देयर मिडिल पाथ, दिस इज बैलेंस्ड लाइफ। अगर कोई इंसान इन एट फोल्ड पाथ पे अमल करेगा वो एक बैलेंस्ड जिंदगी गुजारेगा, न वो ज्यादा अमीर की जिंदगी गुजारेगा और न वो ज्यादा गरीबी की जिंदगी गुजारेगा, वो एक मिडल तरीके से जिंदगी गुजारेगा। तो ही शुड नीदर बी, वो एक काम करना चाहिए, वो ज्यादा अमीर भी बनने की ख्वाहिश भी नहीं करना चाहिए और ज्यादा गरीब भी नहीं रहना चाहिए। वो अपने नीड्स को फुलफिल करना चाहिए, जो उसके नीड्स है उनको अच्छी तरह से फुलफिल करना चाहिए, उसी तरह की जिंदगी गुजारना चाहिए। लीडिंग ए बैलेंस्ड लाइफ वुड हेल्प ए पर्सन टू अटेन मोक्ष, अगर एक इंसान जिंदगी जो है बैलेंस्ड तरीके से गुजारेगा, सही तरीके से गुजारेगा, ज्यादा अमीरी की ख्वाहिश में नहीं रहेगा और ज्यादा गरीब भी नहीं रहेगा, एक मिडल क्लास की जिंदगी गुजारेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, पर्सन कैन अटेन मोक्ष और नरवाना, मोक्ष और नरवाना, मोक्ष मीन्स नजात, नरवाना इज ऑल्सो कॉल्ड नजात, वो गुनाहों से नजात पाएगा। तो वो जिंदगी में बुद्धा के हिसाब से कामयाब इंसान है जो इन एट फोल्ड पाथ पे अमल करेगा, फिर वो एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारेगा, न ज्यादा अमीरी की जिंदगी गुजारेगा न ज्यादा गरीबी की जिंदगी गुजारेगा, और उसको क्या मिलेगा, वो क्या अटेंड करेगा, मोक्ष और नरवाना, वो नजात पाएगा किनसे, गुनाहों से। द बुद्धा डिड नॉट अप्रूव ऑफ रिचुअल एंड एनिमल सैक्रिफाइसेस, जो इससे पहले लोग करते थे, जो एनिमल सैक्रिफाइसेस करते थे, जो हमने देखा पिछले लेसन में, और रिचुअल्स पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन बुद्धा इसके बिल्कुल खिलाफ था। ही लेड सिट्रस ऑन अहिंसा, वो किस पे भरोसा करता था, उसकी टीचिंग्स में सबसे अहम क्या था, अहिंसा, उसने अहिंसा पे जोर दिया, विच मीन्स नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग थिंग्स, वो नहीं चाहता था कि किसी लिविंग थिंग को हम नुकसान पहुंचाइए, तो उसने अहिंसा पे जोर दिया, विच मीन्स नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग थिंग्स। ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम के भी बिल्कुल खिलाफ था, जो वर्ण सिस्टम था वो उसके बिल्कुल खिलाफ था। वांटेड ऑल पीपल टू ट्रीटेड इक्वली, और वो चाहता था बुद्धिज्म के हिसाब से सब लोग जो है उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और ये लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द संगा, द बुद्धा एंड हिज डिसिपल्स एस्टैब्लिश्ड मेनी मोनेस्ट्रीज, बुद्धा और उसके फॉलोअर्स, दैट मींस बुद्धिज्म के फॉलोअर्स, उन लोगों ने बहुत सारे मोनेस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए, जहां पे वो स्टूडेंट्स को बुद्धिज्म की नॉलेज देते थे, बुद्धिज्म पढ़ाते थे, जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स थे वही पढ़ाते थे। मोनेस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड वीराज,
बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव्ड इन दीज मोनेस्ट्रीज, जो ये पढ़ाते थे बुद्धिज्म, जो टीचर्स थे मेल टीचर्स उनको मॉन्क्स कहते थे, वो उन्हीं संघास में रहते थे, उन्हीं मोनेस्ट्रीज में रहते थे। दे स्टेड टुगेदर इन दैट संघा, वो स्टूडेंट्स के साथ रहते थे, जो स्टूडेंट्स वहां पे बुद्धिज्म पढ़ने के लिए जाते थे उनको भी उन संघास में रहना पड़ता था अपने टीचर्स के साथ, वो वही रहते थे कहां पे संघास में, आर वी कैन से मोनेस्ट्रीज में। बोथ मैन एंड वुमेन कुड ज्वाइन द संघा, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, बोथ जा सकते थे, मेल भी और फीमेल भी जा सकते थे बुद्धिज्म पढ़ने के लिए, बुद्धिज्म के टीचिंग्स पढ़ने के लिए कहां पे संघा में, तो वो दोनों वहां पे जा सकते थे, मेल भी और फीमेल भी, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। द मॉन्क्स एंड नन्स, मॉन्क मीन्स जो बुद्धिस्ट टीचर था, और नन मीन्स जो फीमेल टीचर थी, जो फीमेल टीचर्स थे जो बुद्धिज्म को पढ़ाते थे, लेड अ सिंपल लाइफ, मेडिटेटेड मच ऑफ टाइम, उनकी जो जिंदगी थी वो बहुत सिंपल तरीके से वो जिंदगी गुजारते थे, क्योंकि जो एट फोल्ड पाथ्स थे, फोर नोबल ट्रुथ्स थे, तो उनको वो फॉलो करते थे, वही बच्चों को पढ़ाते थे और खुद भी उस पर अमल करते थे, इसीलिए उनकी जो जिंदगी थी वो बिल्कुल सिंपल थी। एंड कलेक्टेड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, वो जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको कलेक्ट करते थे। दीज मोनेस्ट्रीज वर आल्सो सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, वहां पे एजुकेशन दी जाती थी स्टूडेंट्स को। मॉन्क्स एंड नन्स टॉट अदर्स, तो उनका काम क्या था, बच्चों को पढ़ाना, बुद्धिज्म बच्चों को पढ़ाना, ये थी टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट जैनिज्म।